हेलो एवरीवन टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर चैप्टर दैट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लारिंग प्लांट राइट ऑलरेडी इन अ लास्ट चैप्टर वी स्टडीड अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द रिप्रोडक्शन इज फिर हमने उसके दो टाइप्स भी देखे एक असेक्शुअल और सेक्शुअल राइट एंड आज हम देखेंगे कि फ्लारिंग प्लांट में कैसे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट होता है राइट सो लेट इस्टार्ट सो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है तो सेक्सुअल रिपोडक्शन इज नथिंग बट वॉट इट्स अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ एप्लॉयड गैमेट्स टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड चाइगो देखो अब हमें ये पता है कि सपोज कि ये मेल गैमेट है और ये क्या है फीमेल गैमेट राइट तो ये मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट का क्या होने वाला है फ्यूजन जब इनका फ्यूजन होगा तो ये क्या बनाएगा जाइगोन अब यही जो है इट विल टर्न इन टू वॉट इंडिविजुअल और यू कैन व्हाट ऑफ स्प्रिंग फाइन तो ये क्या था अपना सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नाउ अब हम ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में ही क्यों देखना चाहते हैं इट्स जस्ट बिकॉज कि हमने ये पता है कि जो किंगडम प्लांटे जो है उसके कितने डिविजन्स थे पाँच वो पाँचों में से जो सबसे वेल डेवलप्ड वाला कौन है एक तो जिम्नोसपम और एक एनजीओसपम्प लेकिन जिम्नोसपम्प से भी एकदम अच्छे से डेवलप्ड होने वाले कौन है क्यों क्योंकि उसी के पास सिर्फ क्या रहेंगे फ्लार्स राइट जिम्नोसपम्प के पास फ्लार नहीं है जबकि एनजीओसप के पास क्या है फ्लार एंड यही फ्लार प्लांट में इट शोज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन राइट यही प्लांट में किसकी तरह एक्ट करने वाला है reproductive organ की तरह इसलिए इम्पोर्टेंस है आई मीन फ्लावर्स के थोड़े बहुत इम्पोर्टेंस है, I mean, है वो क्या क्या है और कैसे वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे सो so, देखो माइराइट ऑफ फ्लावर्स वी एंजॉय उसका मतलब क्या होता है माइराइज का मतलब भी होता है काउंटलेस इनमेबल फ्लावर्स है जो अलग अलग शेप के हैं साइज़ के हैं कलर के हैं राइट जो ब्यूटी बढ़ाते हैं तो उन सबको देखते हैं फिर उनके जो सेंस हैं उनकी जो परफ्यूम्स हैं मतलब उनके जो फ्लावर में से जो स्मेल आती है उन सारी चीज़ों से या फिर उनके कलर से हम क्या होते हैं अट्रैक्ट होते हैं वो सिर्फ क्या हमें अट्रैक्ट करते हैं क्या नहीं वो एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं राइट तो ये जो अट्रैक्शन वाला जो प्रोसेस है फ्लावर का वो किसके लिए होगा फॉर दी पॉलीनेशन प्रोसेस राइट तो ये जब पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए जब अट्रैक्ट करेगा तभी तो ये सेक्शल रिप्रोडक्शन प्रोसेस कर पाएगा ना नहीं तो गेमिट्स का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं हो पाएगा विल सी लेटर ऑन यही चैप्टर में पॉलिनेशन क्या होता है और कैसे कैरी आउट होता है नेक्स्ट सी फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्थ शो अमेजिंग रेंज ऑफ अडेप्टशन अभी हमें यह भी पता है कि जो फ्लावर्स है वो सिर्फ क्या एक ही शेप के होते हैं क्या उनके फ्लोरल पार्थ भी सब सेम ही रहते हैं क्या नहीं हर एक फ्लावर डिफरेंट होता है और उनका जो अडेप्टशंस है जो फ्लावर जो शेप है जो कलर है या जो भी उनका एडेप्टशन है वो भी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है और उससे वो एक एंड प्रोडक्ट बनाएगा दैट इज़ नथिंग बट वॉट फ्रूट्स एंड सीड्स तो फ्रूट एंड सीड को हम क्या कंसिडर करते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अब देखो ह्यूमंस का भी फ्लावर के साथ एक मेमोरेबल रिलेशनशिप है राइट तो कैसे है? तो फ्लावर को हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं फॉर एडमायरेशन फॉर एस्थेटिक ऑर्नामेंटल सोशल रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूम प्लस हम ह्यूमन फ्लार्स को एज अ सिम्बल ऑफ कन्वेइंग द फीलिंग्स भी हम यूज़ कर यूज़ कर सकते हैं जैसे कि फॉर लव अफेक्शन हैप्पीनेस ग्रीफ एंड मॉर्निंग फाइन सो कब से हम देख रहे हैं कि हमें क्या करना है फ्लार एज अ रिपोडक्टिव ऑर्गन के लिए पड़ना है तो उसके पहले हम ये तो देख लेते हैं कि फ्लार दिखता कैसे राइट सो अस सी कि ये क्या है टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लार है तो हम देख लेते हैं कि फ्लार कैसा दिखता है उसके कौन कौन से पांच से और कौन से पांच रिप्रोडक्टिव के लिए काम आएंगे तो देखो फ्लार के पास दो टाइप के ऑर्गन होते हैं एक होता है एसेंशियल और फर्टाइल ऑर्गन दूसरा होता है नॉन एसेंशियल एंड स्टराइल ऑर्गन्स अभी एसेंशियल मतलब कि नेसेसरी मतलब ज़रूरियत है फर्टाइल का मतलब होता है कि वो ऑर्गन है जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में काम आएंगे नॉन इसेंशियल मतलब ज़रूरत की नहीं है लेकिन फिर भी वो सपोर्टिंग के लिए है और स्टराइल ऑर्गन का मतलब ये होता है कि वो रिप्रोडक्टिव पा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है राइट अभी देखो फर्टाइल ऑर्गन के अंदर कौन कौन आएगा एक तो एंड्रोशियम वो क्या है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन से फॉर्म में रहेगा इन द फॉर्म ऑफ राइट दूसरा क्या है गाइनोशियम गाइनोशियम क्या है फॉर्म ऑफ वार्पेल पिस्टल राइट तभी देखो ये स्टेमिन किधर है तो ये रहा अपना फ्लार का स्टेमिन राइट स्टेमिन जो है इट इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट एक ये एक ये स्टेमिन राइट right? ये ये एंथर आई मीन सॉरी फिलामेंट ये एंथर और ये जो बीच में जो है वो क्या है कनेक्टिव सो स्टेमेंट जो है वो कितने पार्ट का बना है तीन पार्ट का बना है फिलामेंट एंथर एंड कनेक्टिव टिश्यू है उसके बारे में हम डेप्थ में आगे पढ़ेंगे अभी जस्ट देख लो कि कौन कौन से पार्ट्स हैं राइट गाइनोशियम गाइनोशियम किससे बना है कार्पल या तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे पिस्टिल अभी कार्पल जो है वो भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है एक है स्टिग्मा ये है स्टाइल और ये क्या है ओवरी एंड यही ओवरी में व्हाट यू कैन सी द इज अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट ओव्यूल हर एक पार्ट का एक फंक्शन है और इट गेट्स कन्वर्टेड ऑफ रिप्रोडक्शन वो हम देखेंगे बाद में फाइन अब तो हमें ये पता चल गया कि फर्टाइल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से फ्लॉर के एक है स्टेमेन और एक क्या है कार्पेल या फिर हम क्या बोलेंगे उसे फाइन अभी नॉन एसेंशियल वाले पार्ट कौन से हैं सेपल्स एंड पेटल्स तो ये सेपल जो है उसको हम और भी क्या बोल सकते हैं कैलिक्स राइट और पेटल जो है उसको हम और क्या बोल सकते हैं करोला अभी सेपल तो कैसे है ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं राइट जो नीचे से थोड़ा सा सपोर्टिंग टाइप रहेगा राइट पेटल जो फ्लावर की जो लीफ होते हैं जो कलर्ड होते हैं राइट जो कलरफुल होते हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं राइट वो क्या है पेटल्स लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि पेटल और सेपल दोनों सेम होते हैं हम दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते तो उस टाइम पे हम उसे क्या बोलेंगे पेरियांत क्या बोलेंगे उसे पेरियांत

की कि उसके कितने इवेंट्स होते हैं थ्री इवेंट्स राइट ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्री इवेंट्स होते हैं कौन कौन से एक प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन एंड दूसरा कौन सा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन अभी देखो यहाँ पे मैंने डबल फर्टिलाइजेशन लिखा है डोंट वरी ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ही है लेकिन फ्लार में दो बार फर्टिलाइजेशन होता है इसलिए उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन वो भी हम आगे जब आएगा डबल फर्टिलाइजेशन का टॉपिक तो हम देख लेंगे कैसे वो दो बार फर्टिलाइज करने वाला है राइट लेकिन ये लेक्चर में हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन एंड वो भी किसका सिर्फ मेल पार्ट का राइट सो सी प्री फर्टिलाइजेशन में हमें क्या देखना है वी हैव टू सी स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स स्ट्रक्चर किसके तो इफ यू टॉक अबाउट द एंड्रोशम एंड्रोशम क्या था मेल रिपोडक्टिव ऑर्गन राइट सो मेल रिपोडक्टिव ऑर्गन में हमें क्या देखना है हमें स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़ना है फिर हम क्या पढ़ेंगे structure of and event known as microsporogenesis. फिर हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ कोलग्रेन कैसे बना एंड उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ फाइट तो ये सारी चीजें जो है हमें प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में किसके अंदर देखनी है मेल रिपोर्डक्टिव ऑर्गन के अंदर फाइन वही डायनोश मतलब क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसमें भी हमें क्या पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल फिर हम क्या पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम एंड इवेंट मेगा स्पोरोजेनेसिस फिर हमें देखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसेक कैसा होता है और उसका डेवलपमेंट कैसे होगा दैट इज नथिंग बट वन हम क्या देखेंगे कि कौन से पार्ट में ये मेल गेमेटोफाइट एंड फीमेल गेमेटोफाइट बनेंगे एंड उनका डेवलपमेंट कैसे होगा ये सारी चीजें हमें कहाँ देखनी है अंडर द टॉपिक नोन एज प्री फर्टिलाइजेशन लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं एंड्रोशियम के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एंथम फाइन बाकी सारी चीजें हम पढ़ेंगे इलेट्रॉन सो so, लेट इस बिगिन विद्रक्टिव ऑर्गन राइट सो मेल रिपोर्टिव ऑर्गन कौन सा है एंड्रोशियम राइट एंड्रोशियम कि अब हम स्टेमिन को एज अ यूनिट ऑफ एंड्रोशियम भी बोल सकते हैं फाइन अभी स्टेमिन जो है वो तीन पार्ट से बना हुआ है राइट right? और ये कहते हैं स्टेमिन इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट वो कौन कौन से पार्ट है एक है एंथर राइट right? एक कौन सा है एंथर एक कौन सा है फिलामेंट एंड एक है कनेक्टिव टिश्यू अब ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है ये जो अपना एंथर जो है वो कैसा होता है बाइलोब्ड कैसा होता है बाइलोब्ड मतलब उसके दो लोब होते हैं एक ये वाला जो यहाँ से दिख रहा है एक ये और एक जो पीछे के साइड है वो तो दो लोब जो है दोनों को ज्वाइन करके रखने के लिए कौन प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू राइट right? इतना समझा तुम्हें कि स्टेमिन के पास कितने पार्ट्स हैं तीन पार्ट है एंथर फिलामेंट एंड कनेक्टिव टिश्यू राइट right? सबसे पहले हम क्या देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्या कंटेन करने वाला है वेस्कुलर टिश्यू अभी वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है तो जायलोमैन फ्लोएम तो कनेक्टिव टिश्यू में अगर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है मतलब जयलोमैन फ्लोएम प्रेजेंट है तो वो एंथर को क्या प्रोवाइड करेगा इट इज गोइंग टू प्रोवाइड अ न्यूट्रिएंट्स इट इज गोइंग टू प्रोवाइड अ वाटर इट इज गोइंग टू प्रोवाइड अ फूड सो देट डेवलपमेंट हो पाए राइट अभी नेक्स्ट हम क्या देखेंगे फिलामेंट क्या देखेंगे फिलामेंट तो ये जो लंबी सी डंडी जैसी जो दिख रही है दैट इज नथिंग बट वॉट फिलामेंट तो ये कैसा है स्टेराइल है स्टेराइल का मतलब क्या होता है, क्या होता है कि वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में हेल्प करने वाला नहीं है इट इज एन ऑर्गेन एक्सरी पार्ट है लेकिन जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है उसमें उसका कोई काम नहीं है लॉन्ग है यू कैन सी लंबी सी डंडी है सिलेंडर स्टॉक है मतलब पतला सा थिन सिलेंडर स्टॉक है ताकि आराम से मूव हो पाए राइट एंड ये जो फिलामेंट है वो एट दी एंड कहाँ अटैच होने वाला है एट दी थैलेमिस कहाँ अटैच होगा एट दी थैलेमिस या तो फिर किससे अटैच रहेगा एट दी पेटल्स राइट यू कैन सी थैलेमिस ओवर योर ये जो अपना फ्लार जो है ये टिपिकल फ्लार जो है ये जो पार्ट है टिपिकल फ्लार का दैट इज नोन एज वॉट थैलेमस एंड यही थैलेमस पे तुम्हारी ये चारों पार्ट्स क्या रहेंगे अटैच गॉट इट सो लेट्स सी नेक्स्ट या सो हम कहते हैं टू दी फिलामेंट और हमने देखा कि फिलामेंट जो है वो कहाँ पे अटैच होने वाला है या तो थैलेमस या फिर पेटल से अभी जो मेन पार्ट जो हमें पढ़ना है स्टेमिन के अंदर दैट इज नथिंग बट वॉट एंथर क्या पढ़ना है हमें एंथर के बारे में तो एंथर अपना कैसा है बाईलोब मैंने तुम्हें अभी बताया कि ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है तो ये दोनों पार्ट जो है ये एक एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं लोब क्या बोलते हैं लोब इसीलिए दो पार्ट होने की वजह से हम उसे क्या बोलेंगे बाईलोब्ड राइट एंड ये जो बाईलोब जो है इट इज कनेक्टेड विथ टिश्यू नोन इज वॉट कनेक्टिव टिश्यू फाइन अभी देखो ये जो है स्ट्रक्चर ये तुम्हारा ये वाला ये अगर तुम एंथर को ट्रांसवर्सली कट करोगे तो तुम्हें ये वाला स्ट्रक्चर दिखने वाला है ठीक है सो जब तुम ट्रांसवर्सली कट करते हो तो तब तुम्हें पता चलेगा कि ये वाला जो पार्ट है ये एक लोब है ये जो पार्ट है वो दूसरा लोब है मतलब ये समझ में आ गया कितने लोब है अपने पास न, एंथर के पास कितने लोब है दो राइट अभी हर एक लोब में तुम क्या देखोगे कि वहाँ पे दो चेंबर्स हैं अभी सपोज कि तुम सिर्फ ये वाले लोब को कंसिडर करो तो ये लोब के पास कितने चेंबर्स हैं दो एक ये वाला चेंबर और एक ये वाला अभी अगर तुम ये लोब को कंसिडर करोगे तो उसके पास भी कितने चेंबर्स हैं दो एक एंड वन एंड टू राइट सो तो ये जो दोनों जो चैम्बर्स हैं उसे हम क्या बोलते हैं थीका क्या बोलेंगे थीका राइट right? अब ये जो थीका है राइट right? एक लोब में कितने थीका है ये एक ये दो राइट right? मतलब एक लोब में दो थीका है इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं डाइथिकस थीकस क्या बोल सकते हैं डाइथिकस थीकस राइट right? यही थीका का दूसरा नाम भी है एक है पोलन सेक राइट right? पोलन चेम्बर्स एंड कौन सा है माइक्रोस्पोरेंजिया ये पोलन सैक या पोलन चेम्बर्स इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसी के अंदर क्या फॉर्म होने वाले हैं पोलन ग्रेन्स इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं पोलन सैक एंड उसे और अभी हम क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजा माइक्रोस्पोरेंजा क्यों बोलते हैं बिकॉज ये जो माइक्रोस्पोर्स जो है जिसके थ्रू पोलन ग्रेन्स बनने वाले हैं वो भी कहीं कहाँ फॉर्म होने वाले हैं इन दिस पार्ट राइट इसलिए हम इसे अलग अलग चार अलग अलग नाम से जानते हैं एक है थीका एक है पोलन सैक एक है पोलन चेम्बर्स एंड दूसरा है माइक्रोसपोल जिया राइट अभी देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है अपना कैसा है ट्रांसवर्स अभी ट्रांसफर्स देखो मतलब कि ये अगर तुम्हारा एंथर है अगर तुम उसके ऐसे काटोगे बीच में से तो ये क्या हो जाएगा ट्रांसवर्स राइट तो यही ट्रांसवर्स सेक्शन में यू कैन सी कि ये जो अपना एंथर जो है वो चार साइड में से चार साइडेड है राइट right? मतलब फोर साइडेड है एक ये वन टू थ्री एंड फोर कितने साइड है उसके पास वन टू थ्री एंड फोर इसलिए हम उसे क्या बोल सकते हैं कि एंथर का जो स्ट्रक्चर है ट्रांसवर्स सेक्शन में कैसा दिखता है टेट्रागोनल कैसा दिखने वाला है टेट्रागोनल फाइन सो एंथर का स्ट्रक्चर कैसा है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है प्लस अभी देखो ये इसके पास मैंने तुम्हें क्या बताया कि ये थीका जो है उसका दूसरा नाम क्या है माइक्रोस्पोरेंजिया राइट right? सो so, एंटर के अंदर ऐसे कितने माइक्रोस्पोरेंजिया बनने वाले हैं वो भी चार क्योंकि ये थीका जो है वही तो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना तो ये एक ये दो ये तीन और ये चार तो कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हुए चार तो चार माइक्रोस्पोरेंजिया है इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे इट्स अ टेट्रासपोरेंजियट टेट्रा मतलब फोर स्पोरेंजियट मतलब जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो इसलिए हम क्या बोलेंगे टेट्रासपोरेंजिएट स्पोरेंजिया मतलब कि ये जो है यहाँ पे स्पोरोजिनियस टिश्यू है सेल्स है जिससे पोलनगेंस बनने वाले कितने पार्ट में है चार पार्ट में एंथर में इसलिए उसे क्या बोलेंगे टेट्रासपोरेन्जियट है अभी यही स्ट्रक्चर में तुम देख लो कि ये जो अपना पोलन माइक्रोस्पोरेंजिया जो है एक्चुअल में ये कैसा है सिलिंड्रिकल इन शेप राइट ये एक ये दो ये तीन और ये चार कैसा है सिलिंड्रिकल राइट right? अगर तुम ऐसे पूरा पूरा ये फ्यूज देखोगे तो हमें कैसा लगेगा कि से ना? Cylindrical shape. लेकिन वही अगर तुम दिखेगा उसे कट करोगे तो तुम्हें कौन से शेप में दिखेगा Circular. कौन से शेप में दिखेगा सर्कुलर फाइन सो यू कैन सी ओवर य ये बीच में जो है इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू ये माइक्रोस्पोरेंजिया है राइट right? सो so, ये अपना क्या है एंथर का स्ट्रक्चर फाइन सो अब ये एंथर के स्ट्रक्चर में हमें ये पढ़ना है कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर क्या है और उसमें ये जो ग्रेन बनने का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है तो ये जो प्रोसेस है

एंड कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस आगे बढ़ेगी राइट उसका थोड़ा सा जिस्ट हम देख रहे थे कि कैसे ये कन्वर्ट होने वाला है तो देखो माइक्रोस्पोरे ये जो एंथर जो है यंग एंथर वो उसके पास कौन सा लेयर है आउटर लेयर जो है वो किससे बना है एपिडर्मिस से तो यंग एंथर का जो आउटर लेयर जो है वो किससे बना है एपिडर्मिस से और उसके अंदर के जितने भी सेल्स है वो सारे के सारे कैसे हैं अनडिफ्रेंशेड मतलब होमोजीनियस है सब सेम है किसी को भी तुम डिस्टिंग नहीं कर सकते लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप होना स्टार्ट होता है यंग एंटर जब डेवलप होना स्टार्ट होता है तो एपिडामिस के नीचे और एक लेयर फॉर्म होता है जिसे हम क्या बोलते हैं हाइपोडामल मतलब उसके सेल्स को क्या बोलेंगे हाइपोडर्मल सेल्स यही हाइपोडर्मल सेल्स से यू कैन सी कि क्या बनने वाला है आर्के अभी आर्केस्पोरियम इज नथिंग बट वॉट इट इज गोइंग टू फॉर्म अ आर्सपोरियल सेल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वाई बिकॉज ये आर्के स्पोरियल सेल जो है वो पेरी डिवाइड होगा राइट पेरी का मतलब क्या होता है वो पैरल दो सेल्स जो है अभी सपोज की ये सेल है तो वो पैरलली डिवाइड होगा तो हर एक सेल जो है एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक अपने लेयर्स फॉर्म करते जाएंगे

एक एपिडर्मिस, फिर है एंडोथीशियम फिर है मिडल लेयर एंड फिर है टेपेटम और जो सेंटर में जो है जैसे मैंने तुम्हें बताया सेंटर में क्या रहेगा प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल तो ये जो है ये सेंटर में ये क्या है प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल जो फिर स्पोरोजीनियस में कन्वर्ट हुआ फिर उसने स्पोर्स बनाए फिर ग्रेन बनाए एंड सोन राइट तो ये जो एक लेयर के बारे में या फिर स्पोरोजीनियस टिश्यू के बारे में सेल के बारे में जो भी हमें पढ़ना है विल स्टडी इन अ नेक्स्ट वीडियो ये जो पार्ट है दिस इज एन एक्स्ट्रा पार्ट विच इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक लेकिन तुम्हें समझे कि कैसे ये लेयर्स फॉर्म हुए हैं इसलिए मैंने तुम्हें ये पढ़ाया है right? राइट लेकिन ये तुम्हें नीट लेवल के लिए तो पक्का काम आएगा फाइन तो ये जो स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो कौन से दो चीज़ों से बना है वो एक माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल और स्पोरोजिनियर सेल से बना है लेकिन उसके लिए जो डेप्थ में जो कुछ भी पढ़ना है वी विल स्टडी ना नेक्स्ट वीडियो थैंक यू